छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आजादी महोत्सव के आज सेकेंड डे पे। मेरा नाम है निशात मलिक। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता विश्वकर्मा और आप सभी का फिर से स्वागत है आज आजादी महोत्सव के डे टू में। दोस्तों आज सेकेंड डे पे हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। दोस्तों जो सिचुएशन चल रही है, आज की करंट सिचुएशन, उसमें जो है आजादी तो मिल गई है, लेकिन आजादी का मतलब समझ में नहीं आया। ये नहीं समझ में आया कि करना क्या है, ये नहीं समझ में आया कि क्या हमने पाया, क्या हमने खोया। फ्रेंड्स, आज का जो सिचुएशन है, इसमें एक सवाल बहुत बड़ा आता है। इतना सारा पढ़ लिया, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत से बच्चे 90% स्कोर करते हैं, 100% स्कोर करते हैं, मगर उसके पास जॉब का ऑप्शन नहीं है। संगीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आज का जो सिचुएशन चल रहा है, जिसमें ये है कि हम लोग हमारे बच्चों को ये तो बोलते हैं, बेटा तुम अच्छे पढ़ोगे तो बहुत बड़े इंसान बनोगे, अच्छा पढ़ोगे तो ये करेंगे, लेकिन क्या उनकी जॉब के लिए सिक्योरिटी है? क्या उनकी जॉब का कन्फर्मेशन है? क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है? आपको क्या लगता है जी? बहुत सही बात है, जो हम सभी जानते हैं आज का जो सिचुएशन है हिंदुस्तान का, कि लोग के पास जॉब्स नहीं है, राइट? लोग, अगर आप देखा जाए कि अगर आप पहले देखो तो लोग पढ़ाई करते थे, 20-22 साल पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी जॉब पे लगते थे, और जॉब के अलावा अच्छा अगर फाइनेंशियल थोड़ा सा पैसा इकट्ठे कर लिए तो बिजनेस करते थे। लेकिन आज जॉब ही अवेलेबल नहीं है। आप भी जो 22-25 साल पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज आज आप देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है। लाइक फॉर एग्जांपल ले लो कि एक बंदा कॉलेज स्कूल करके निकला और जॉब पे लगा भी है, तो वो 40 साल तक निरंतर जॉब कर रहा है, राइट? और वो जब 40 साल तक निरंतर जॉब करे तो उस बीच में जो बच्चे ग्रेजुएट होके आएंगे उनके पास ऑप्शन क्या है, राइट? इन्फ्लेशन चल ही रहा है, सारी प्रॉब्लम्स है। और आपको तो पता है जो अभी रिसेंट प्रॉब्लम हम सबने फेस की, जो वर्ल्ड वाइड था, जो कोविड, आई थिंक एक वीडियो भी प्ले करना चाहिए निशाद जी, बिकॉज कोविड के बाद की सिचुएशन तो और वर्स्ट हुई है। तो आइए देखते हैं निशाद जी, वो कोविड वाला क्या हालात है और क्या माहौल बना हुआ है आज के तारीख में, और फिर इस पे आगे हम चर्चा करते हैं। तक भारत में एक संकट जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो है
अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम इस समस्या के बारे में पढ़ते आए हैं। आज तक न जाने कितनी सरकार भारत में बन चुकी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन आखिर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? भारत में आज इतने यूनिकॉर्न बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर नहीं हो रही। भारत में लोग काम करना चाहते हैं, कंपनियां ढेरों वैकेंसी भी निकालती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि करोड़ों लोग भारत में आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया है। आज की इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भारत एक युवा आबादी वाला देश है और देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, तो वहीं देश में 90 करोड़ की वर्कफोर्स मौजूद है। हम आपको बता दें कि वर्कफोर्स में वो लोग शामिल होते हैं जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, और वर्क स्पेस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भारत के लिए कोविड-19 से भी गंभीर समस्या है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे और कोरोना काल में संख्या में 1 करोड़ से भी ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। इतना ही नहीं, कोरोना के दौरान लोगों ने सैलरी कट की समस्या भी झेली है और न जाने कितने ही बिजनेस पर ताला लग गया। इन सभी चीजों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने का काम किया है। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है। सुनिशा जी, जैसे आप देख रहे हो कि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास आज जॉब नहीं है। रीजन पता है क्या निशा जी? आज भी लोग वो ट्रेडिशनल वे में काम करना चाहते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आज हम चांद पे चले गए हैं, लेकिन आज भी हम वही कर रहे हैं। बच्चों को हम यही सीख दे रहे हैं, बेटा तू पढ़ाई कर ले, अच्छी तरह को अच्छी नौकरी मिलेगी। आज भी हम बच्चों को कहते ना आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पे भी काम नहीं कर रहे। और जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल तो बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज तो भी है, लाइक आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास फंड कहाँ है, पैसे कहाँ है, किसी भी बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं है। बिकॉज एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया। आज आप जान रहे हो टेक्नोलॉजी भी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है, पर लोग आज भी वही ट्रेडिशनल वे में अटके हुए हैं, वही कर रहे हैं। जैसे कि पिछले अगर आप 50 साल पहले देखो तो बच्चे जब पढ़ के निकलते थे तो वो आराम से जॉब करते थे, सिक्योरिटी रहती कि जॉब मिल गई सिक्योरिटी है। बट आज कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। आज आप इतने भारी कॉम्पिटिशन से गुजर रहे हो कि आज आप नहीं कोई और सही, राइट? कोई भी सिक्योरिटी आज नहीं दिख रही। रीजन एक ही है, चेंज, परिवर्तन, जो हम कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन लोग अपने कमाई के जरियों में कोई चेंज करना ही नहीं चाहते। वो आज भी वही ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वही ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आप इकोनॉमिक इंडस्ट्री में भी कमाई के जरियों में भी बहुत सारा चेंज है। अगर आप पिछले 60 दशक का देखो तो एक ट्रेंड चला आया। जैसे कि अगर आप देखो कि 1955 में अगर आप देखो तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का चलन हुआ, जबकि वो इंडस्ट्री जब शुरू हुई तो बहुत लोगों ने उसको भी अपोज किया, राइट? पर वो जो 5-20% लोगों ने जिसने उसको अपनाया, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, राइट? तो हम न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। लोग रिस्क फील करते हैं, उनको लगता है नहीं जो है उसी में करो, नया चीज एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते, जबकि आज वो जरूरी है, राइट? उसके बाद अगर मैं बताऊं तो 1965 में आप देखो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बूम पे रहा, राइट? उसको भी लोगों ने एक्सप्लोर किया और आज वो बिजनेस तो हमेशा चेंज। उसके बाद आपने देखा 1957, मतलब हर 10 साल बाद 75 में आप देखो तो ऑयल इंडस्ट्री आया, उसमें भी जो लोगों ने उस समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप किया वो बहुत आगे ग्रो किए। अगर 1985 की बात करूं तो ऑयल इंडस्ट्री के बाद आया टेलीकॉम इंडस्ट्री आया, वो भी आपको पता होगा बहुत अच्छे से लोगों ने उसमें भी काफी मतलब चेंज के साथ परिवर्तन में जो कहते ना जो फ्लो के साथ अपने आप को चेंज करता रहा वो डेफिनेटली ग्रो करेगा और करता रहेगा। 2005 की बात करूं तो इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की बात आई, बहुत सारे इस फील्ड में भी लोग ग्रो करने लगे। एंड 2015 की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज भी हम इंडियंस सोच रहे हैं कि करें कि नहीं करें, नेटवर्क मार्केटिंग एग्जिस्ट में आया, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कहा जाता है 2025 तक ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। और इंडिया में क्यों अगेन जो हमने देखा बेरोजगारी, इतने सारे जो बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में आज के तारीख में नहीं है जो इतने सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जॉब या बिजनेसेस दे सके। बट ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हो आज, तो ये आने वाले समय में आपका फ्यूचर हो सकता है। आप जैसे कि हम ट्रेडिशनली देखते थे बच्चा पढ़ाई करके 40 साल निरंतर काम करता है और क्या कमाता है,
अपना लाइवलीहुड, अपनी बेसिक नीड पूरी करता है, और कोविड जैसे अगर सिचुएशन आ गए तो वहां पे ब्रेक लग गया। आपने देखा है कितने लोगों की जॉब्स गए, कितने लोग बेरोजगार, कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, राइट, वो जीरो पे आ गए। तो आज इस इंडस्ट्री कहते हैं ना, आज हमें सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे में नहीं, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हमें अलग अलग जरियों से हमारे पास इनकम लाने होंगे ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। और अगर मैं बताऊं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो आज वो ये प्लेटफॉर्म हमें दे सकता है, ये इंडस्ट्री आपके लिए कहते हैं ना वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपको मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। कहते हैं ना आप किसी भी बिजनेस में देख लो, आप मार्केट में आज जो भी बिजनेसेस या जॉब्स अवेलेबल हैं, वहां पे एक साथ लाख लोग 2 लाख लोग काम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक साथ, आई टेल यू, एक साथ लाखों करोड़ों लोग, पूरा हिंदुस्तान एक साथ काम कर सकता है। ये है इस बिजनेस का फ्यूचर, राइट। सो हमें इस बिजनेस को लेके आना है, लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि आप अगर देखो तो आज का समय ही है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप देखो जियो, व्हाट्सएप, गूगल जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा कमाई। आज के तारीख में सबसे बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज यही है, राइट। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करके काफी आगे जा सकते। आज वो अकेला आदमी 10 कदम ही चल सकता है जो हम अब तक कर रहे थे, जो हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कर रहे थे, बट आज इस इंडस्ट्री से हम बहुत सारे लोगों को लेके साथ में जुड़ के बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और निशाद जी मैं बताऊं, जिस इंडस्ट्री के हम बात कर रहे हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे उसके बारे में और भी डिटेल्स आपको सुनने में मिलेगा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ये है कि आपको इसमें 40 साल काम नहीं करना है, आपको 40 साल तक जिंदगी काटनी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कुछ साल, 2 से 5 साल मेहनत कर लिया, तो आपका ये 40 साल का जो मेहनत है ना, उसका रिप्लेसमेंट है ये। और इस बिजनेस को हम कहते हैं ना पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जैसे भी चाहे कर सकते हैं, बिकॉज हम, हमारे पास अगेन वो 12-14 घंटे नहीं है जिसमें हम ये बिजनेस को। तो निशाद जी मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे जितने दर्शक हैं कि ये इंडस्ट्री हम सभी का फ्यूचर है, और मैं बताऊँ वर्ल्ड वाइड भी इस इंडस्ट्री को लेके बहुत बड़ा, अगर आप वर्ल्ड वाइड जाओ तो लोग बहुत सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री को लेके। मतलब अगर आप जो डेवलप कंट्रीज में देखो तो 70% जो मिलियनर्स है इस इंडस्ट्री से ही है, राइट, इस इंडस्ट्री को ही कर रहे हैं। और हम ब्लेस्ड हैं कि हम तो विश्व का सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कैरी करते हैं आज, और आज हमारे देश में भी इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस का बहुत बड़ा फ्यूचर दिख रहा है, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट निशाद जी। जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने संगीता जी, बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों इसी कड़ी में कल हमने आपको मिलाया था हमारे एक बहुत ही काबिल लीडर से, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब से थे और उसके बावजूद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया। आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो भी बहुत ही हीरो हैं, मतलब हम कहेंगे कि हमने आपको कल एक हीरो से मिलाया, आज एक दूसरे हीरो से मिलाने हैं, और रेगुलर हम आपको हर बार एक नए हीरो से मिलाऊंगी। वो एमटेक, उन्होंने एमटेक में किया है अपनी एजुकेशन कंप्लीट, हम लोग कहते हैं ना पढ़ाई में आपने बहुत अच्छा कर लिया, तो उन्होंने एमटेक किया हुआ है और अपने बाय प्रोफेशन प्रोफेसर है, वो भी इंजीनियर कॉलेज में, उसके बावजूद इस इंडस्ट्री में है। तो हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे राकेश पुजारी जी का, प्लीज वेलकम राकेश जी। थैंक यू निशा जी, थैंक यू वेरी मच, वार्म वेलकम। यस राकेश जी, कुछ सवाल आपसे है जो हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की सिचुएशन को लेके, तो संगीता जी क्या पूछना चाहोगे आप? यस थैंक यू निशाद जी। राकेश जी, जैसे कि आपने एमटेक किया है, आप कॉलेज में हैं, और उसके अलावा मतलब आपका एक अच्छा कहते ना बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन भी है, और आपकी वाइफ भी मैं जानती हूँ सेम फील्ड में ही, आप दोनों साथ में ही हो, लेकिन फिर भी आपने ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुना, राइट? इस बिजनेस में आप क्या देख के, सर हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैम, जब बचपन में हम लोग का कैसा था, एजुकेशन करो फिर जॉब करो, अच्छा खासा आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। लेकिन जब हम जॉब करने चालू हो जाता है ना, जो बोलते जिंदगी, आप जैसे बोलते जिंदगी खाट रहे रहते हैं, जो अपना ड्रीम्स रहता है जो बचपन में हमें देखा जाता है ना, वो फुलफिल नहीं होता, क्योंकि आज का जो लिविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, और एक अपना पास क्या रहता है, टाइम लिमिटेड रहता है और इनकम लिमिट हो जाता है। तो वो कंडीशन में मैं ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ ऐसा एक सोर्स रहना चाहिए, जहाँ एक बोलते हैं ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए कम उम्र में। वो जो हम सोच रहे हैं, जो सदियों से हो रहा है ना, वो 60 ईयर्स तक रिटायरमेंट तक काम करना, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं चाहता था। जब मैं वो ढूंढ रहा था, मेरे को ये इंडस्ट्री मिला,
और जब मैं इसका बारे में डीपली जब देखा ना, बोलते इंडिया तो अभी तक अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो सुपर पावर कंट्री यूएस, उसमें अगर देखोगे तो लगभग जो टॉप उनका अर्निंग रहता है, जो रेवेन्यू होता है 2 लाख करोड़ ऊपर, जो डायरेक्ट सेलिंग से आ रहा है। और जो लास्ट जो उनका प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका भी फर्स्ट इनकम था नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब जब अच्छे अच्छे लोग इसको ये कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं, इवन जो अपना फाइनेंस का गुरु है रॉबर्ट कियोसाकी, वो भी बता रहे आगे जो इंडस्ट्री है 21st सेंचुरी के बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैंने सुना यस, और जो मैं सोचा था ये इंडस्ट्री में पूरा हो सकता है, क्योंकि अकेले नहीं काम कर सकते, यहाँ पे लोगों को मिलाकर टीम में काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फास्ट हम यहाँ पे अपना ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, ये देखकर मैंने इसको स्टार्ट किया था। वाओ, सो नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने। सो सर, आप जैसे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल आज बहुत सारे हम सुन भी रहे हैं, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, तो इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। पहला मैं बताता हूँ, जैसा आपने स्टार्ट किया इंडस्ट्री चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, एक पहला एवरी 20 ईयर्स में इंडस्ट्रीज चेंज हो रहा है। जब कंप्यूटर पहला आया था तो हमने ज्यादा इसको ये नहीं सोचा था इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आखिर में आप देखो कंप्यूटर पूरा, जो बोलते हैं ना, जो पहला एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे, आज वहां पे रेशियो कम हो गया 20 लोग, बाकी का कम मशीनें काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो दौर है वो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यहाँ पे देखिए कभी भी चेंज होता है ना, पहले लो लेवल से इम्पैक्ट हो रहा है, ब्लू कॉलर जॉब रहता है, व्हाइट कॉलर जॉब रहता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, वो ऐसा इम्पैक्ट करने वाला है। अभी तो बच्चा है अगर देखा जाएगा तो, लेकिन ये ऐसा ग्रो हो जाएगा और सबसे पहला इम्पैक्ट हो जाएगा बड़े जो रहते हैं लेवल पे, लाइक क्रिएटर्स रहते हैं, डिजाइनर्स रहते हैं, उनका पहला जॉब खतरा में आज चालू हो चुका है। देखिए ना, अगर आप यूट्यूब में आप जा रहे हो तो आप जो एक पर्टिकुलर आप सर्च करते हो तो आपको वही दिखा रहा है, मतलब वो कुछ सोशल मीडिया कंपनी क्या है ना, वही आपको शो करे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप एडिक्टेड बन जाते हो। अभी वो मोड में, जब जनरेशन मोड में आएगा ना, हम सोच नहीं पाएंगे कितना लोग का जॉब चला जाएगा। ऐसा एस्टिमेशन है बाय 2025 तक लगभग ग्लोबली 86 मिलियन जॉब जाने वाले, बट जॉब्स भी आएगा और उन जॉब्स मिलेगा, लेकिन किन को, जो अपना माइंडसेट को चेंज करेंगे, जो इसको अपनाएंगे, नया दौर जो परिवर्तन बोलते हैं ना, वो जो अपनाएंगे उस चेंजेस को, उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। और हमने ये भी सुना था कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस रहते हैं स्मॉल स्केल, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप देखिए ना, पहला जितना भी शॉप्स थे तो उनको पास बहुत बिजनेस था, लेकिन आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन में आ गया जी, बिल्कुल। मतलब सब ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अगर आप ये देखोगे इतना बड़ा मास इफेक्ट हो रहा है। और आज मैं एक प्रोफेसर, आज साल में कितना बच्चे पास आउट हो रहा है, लेकिन पास आउट होने के बाद उतना जॉब क्रिएट ही नहीं हो रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, वो फुलफिल कैसे करेगा। लास्ट टाइम जो अमिताभ कंत आईएएस ऑफिसर, जो नीति आयोग का जो चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन, उन्होंने भी एक ही बताया था कि अगर आगने वाले इंडिया को जो अनएम्प्लॉयमेंट से बचाना है, दो चीज काम करेगा, एक जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होना चाहिए, सेकेंड इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है कि लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है ना, उसको कम करने का बड़ा एक योगदान होगा, और ये ही डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का GDP में भी कंट्रीब्यूट करे। क्या बात है सर, ये हम सुन भी रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आ रहे हैं, बहुत सारे आपको वीडियोस भी न्यूज़पेपर सब में मिल रहे हैं। राकेश जी, एक और चीज की, जैसे कि हमारा जो बिजनेस है जिसपे हम है, वो स्पेशली हम उसपे एक और चीज जोड़ रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, उसमें भी हमारा डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से योगदान देने वाला है, प्लीज सर बताइए। देखिए, पहला चीज, जब वोकल फॉर लोकल, जो अपना मोदी जी भी वही बताते, ज्यादातर इंडिया में उत्पादन करो, इंडिया में प्रोडक्ट बनाकर इंडिया को ही लोगों को बेचो, उससे क्या हो जाता है, एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो जाएगा, यहाँ का लोगों को जॉब मिलेगा, और यहाँ जब हम उसको प्रमोट करेंगे तो ये डायरेक्टली जो कंपनीज जो पे करने वाला है, वो क्या इनकम जो पे करेंगे, टैक्सेस जो पे करेंगे, वो गवर्नमेंट को जाएगा, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या बहुत बड़ा योगदान है, ग्रो हो जाएगा। और अभी देखोगे ना, इसका जो स्किल इंडिया है, वो प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग कोर्सेस चालू हो चुका है, अवेयरनेस, उसमें मैंने कोर्स किया भी हूँ, और उसमें क्लियरली बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या है। और अभी सुनने में आया, सुनने में नहीं, ऑलरेडी हकीकत है कि यूनिवर्सिटीज में ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स चालू हो चुका है, अभी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले। अभी आप देखिए, कुछ
एक दो साल में जब हर एक स्टेट में इसको पढ़ाएंगे तो आने वाले इसमें ना डायरेक्ट सेलिंग आने के लिए आपको डिग्री का जरूरत रहेगा। तो क्या बात इतना है सर, बड़ा तो है प्लेटफॉर्म, अभी सिर्फ हम ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ भीड़ भाग रहे वहां नहीं जाना चाहिए, कुछ हटकर सोचना पड़ेगा। अगर हम हटकर सोचेंगे तो आप आगे जाकर सर्वाइव हो जाएंगे। क्या बात की सर, वैसे तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत पुरानी भी है, इंडिया में ही अभी कहते हैं ना इसका शुरुआत हुआ है, अभी इसमें जन्म लिया इस इंडिया में। तो हम तो वैसे भी हैं कि कोई भी चीज जब इंडिया में आती है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो होती है, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री भी होगा। सो राकेश जी, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से हैं और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो इस इंडस्ट्री में, आपका फेवरेट प्रोडक्ट जो आप हमारी कंपनी में है वो कौन सा है? मैं अगर बात करोगे तो एक है जो मैं वेलनेस के ऊपर बात करूंगा, जो नोनी एक प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। उसको बोलते हैं नो इंजेक्शन नो ऑपरेशन अगर लिया तो। और अगर ये क्यों इतना फेवरेट है कि मेरा हेल्थ में भी सुधार लाया था और मेरा वाइफ का भी हेल्थ में इसको बहुत अच्छा इसमें इम्पैक्ट आया है। और अगर हम मार्केट में भी मिलता है ऐसा नहीं, बट वहाँ पे जो कॉस्ट है वो 3 गुना ज़्यादा है या जहाँ यहाँ पे मिल रहा है। प्लस एक इंडियन प्रोडक्ट है और इसमें एक जो कोकम है आपका डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। तो और एक क्या है ना, ये अच्छा लगता है कि एक हम इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज करते लोग अपने का जो ड्रीम रहता है मैं बोलता हूँ वो भी यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, आपका सपने पूरा कर सकते हैं। और यही प्रोडक्ट लोगों का घर में खुशियां ला सकते हैं, एज हेल्थ वाइज एज वेल एज वेल्थ वाइज। क्या और बात एक है सर, मैं इस अलावा और एक प्रमोट करता हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर, जो लोगों को आज जो फार्मर्स है उसके ऊपर मैं जो ज्यादा फोकस करता हूँ कि फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और जब मार्केट में सिंथेटिक फर्टिलाइजर मिल रहा है, वही हमारे पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उससे क्या हो जाएगा, उनका फसल अच्छा हो जाएगा, अपना एग्रीकल्चरल लैंड अच्छा हो जाएगा और उनका जो कॉस्ट है मेन वो कॉस्टिंग 50% कम हो जाएगा और प्रोडक्शन यील्ड हो जाएगा। सो ये दो प्रोडक्ट मेरा बहुत ही और अच्छा लगता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, लेकिन हम लोगों को ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो खाना फूड मिलेगा, मिलेगा, ऑर्गेनिक अनाज मिलेगा, जिससे हमारे यस, हेल्थ पे भी जो बहुत जो फर्क पड़ेगा। आजकल ज्यादा बीमारी जो खाने पे आता है केमिकल खाने से वो मुक्त हो जाएगा क्या आगे बात है जाकर। सर, बहुत बढ़िया कंपनी ने भी सोचा है और इतना बढ़िया प्रोडक्ट लाए। तो सर जैसे कि आपने बोला कि मेरा खुद का भी ग्रोथ, तो आप इस इंडस्ट्री को लेके अपना पर्सनल ग्रोथ और अपने फैमिली का ग्रोथ, इनफैक्ट आपकी पूरी टीम का, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम है और एग्रीकल्चर और वेलनेस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो इनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हो, कहाँ तक देख रहे हो इस कंपनी से जुड़ के? देखिए ऐसा मैंने ये किया है कि जो मेरा ड्रीम है 40 इयर्स में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं चाहता हूँ वो यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो विजन है और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा टीम से हर एक को मैं बोलता ना फाइनेंशियली जो एटलीस्ट उनको जो घर पे सपोर्ट करने तक करने का हम लोग का मेरा जो एम है तो उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। लगभग ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि हर जगह पे जो बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस तो हो चुका है 1947, बट फाइनेंशियल आज़ादी आज तक किसी को मिला नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और यही मेरा विजन है और यही मेरा मिशन। एक और क्वेश्चन, कहते हैं ना आप इतना अच्छे से बता रहे हो कि क्वेश्चंस मेरे रुक नहीं रहे, बट एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आप इंडस्ट्री को लेके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए इंडस्ट्री को लेकर लोगों को मैं बात करूंगा और एक स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करूंगा कि आज जो हम लोग ये 9 to 5 जॉब है ना, अगर उससे छुटकारा पाना है तो ये इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज अगर हम देर करेंगे आगे जाकर बहुत पछताने वाले हैं। अभी से स्टार्ट करो और धीरे धीरे इसको अपना टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको बिल्ड कीजिए और आने वाले टाइम में 9 to 5 जॉब से छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में फ्रीलांसिंग आने वाला है। क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है वो अभी इंडिया में भी आने वाला है, कोई भी फुल टाइम नौकरी रखेंगे नहीं, एज पर उनको जो चाहिए वैसे टाइम वाइज जॉब देने वाले हैं। और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आज कोई भी कंपनी क्या देखती है, एजुकेशन से अलावा हटकर देखती है कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटी। वो तीनों चीज यहाँ पे मिलता है अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करते। यहाँ पे आपका पर्सनालिटी ग्रोथ भी हो जाएगा, स्किल डेवलप मतलब आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और आप एक लीडरशिप स्किल भी आपका डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। हर एक फैमिली में एटलीस्ट एक पर्सन तो ये मोदी केयर करनी चाहिए। वेरी ट्रू। सो
यस राकेश जी, इतने अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच। अब जो है ये तो समझ में आ गया कि ये फील्ड है, ये इंडस्ट्री है जो कि हम सबकी लाइफ में चेंज ला सकती है। तो ये मुझे समझ में आया राकेश जी कि जो है पेन ऑफ रिग्रेट लेने से अच्छा है आज काम कर लो इसमें, और अपने पुश्तों को भी जो है कहते लाइफ सेट कर दो। दोस्तों ये थे राकेश जी जिन्होंने आज हमको बताया, एक एमटेक स्टडी किए हुए, क्वालिफिकेशन एमटेक और उसके साथ प्रोफेसर, बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, उसके बावजूद वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। यानी कि कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो होगा ऐसा, ऐसी इसी कड़ी में बहुत सारी चीजें आज हमने आपके सामने पेश की। करंट सिचुएशन जो हमारे देश की सिचुएशन चल रही है, जो हमारा देश जिस तरफ जा रहा है और हम इस देश को किस तरह से बचा सकते हैं उसके ऑप्शंस भी है, उसको बताएंगे हम, लेकिन हम उसको लेके आएंगे कल। तो हमारे साथ आपको जुड़े रहना है, और जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो और मिलते हैं फिर कल 11 बजे, याद रखिएगा ठीक 11 बजे डेली 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हमारा ये शो होगा। इसमें आपके लिए हर बार कुछ नया है, कुछ अलग है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसके बारे में इतना कुछ राकेश जी ने बताया, उसकी डिटेल भी हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन वो आपको मिलेगा कल। तो मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच, जय।